गाइस नमस्कार। सो बैक विथ अनदर वीडियो। सो फोटोशॉप का वीडियो आ चुका है। सो आज से हम लोग फोटोशॉप का सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, ग्राफिक डिजाइन से लेके बेसिक टू एडवांस सीखने वाले। सो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं फोटोशॉप का यूआई चेंज करते, जो आपको यहाँ पे स्क्रीन में दिख रहा है ऐसा। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग को RGB वैल्यू चेंज करना पड़ता है, जो ऑलरेडी इनबिल्ट रहता है फोटोशॉप में। फोटोशॉप CC वर्जन में सभी में है, लेकिन जो CS6 वर्जन है उसमें नहीं है। तो आपको लेटेस्ट वर्जन ही डाउनलोड करना पड़ेगा CC से, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग एक फाइल को मॉडिफाई करेंगे और उसमें RGB वैल्यू चेंज करेंगे और उसका कलर चेंज हो जाएगा कम्प्लीटली। सो प्रैक्टिकली इसको देख। सो फर्स्ट मैं आपको यहाँ पे मेरा फोटोशॉप ओपन करके दिखाता हूँ, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं इसका UI पूरा एकदम कस्टम है। लाइक कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ग्रीन सा आ रहा है जब मैं यहाँ पे टूल्स को सेलेक्ट कर रहा हूँ और लेयर्स को सेलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे अप एंड डाउन पेज, अप एंड डाउन एंड टॉगल बार भी देख सकते हैं। अगर मैं न्यू डॉक्यूमेंट्स लेता हूँ भी, यहाँ पे बार पे क्या होता है, स्टॉक्स का कलर चेंज होता है, जो कि ये बाई डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप में नहीं रहता है। बाई डिफ़ॉल्ट क्या होता है, इसमें ग्रे वर्जन रहता है जो कि न्यूट्रल कलर बोलते हैं। तो इसको हम लोग कैसे कस्टम करें फोटोशॉप में, सो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिएगा इसको। सो इसको फर्स्ट मैं क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, आपका फोटोशॉप कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो। मैं फोटोशॉप 2023 वर्जन यूज कर रहा हूँ, मेरे पास 22 भी है। तो कोई सा भी वर्जन में जाना है आपको, राइट क्लिक करना है और इसका ओपन फाइल करना है, ठीक है। फाइल लोकेशन जहाँ पे लोकेटेड है ये फाइल, आपको वहाँ पे इसका लोकेशन पे जाके फाइल ओपन करना है। तो ओपन फाइल करने के बाद हम लोग के पास फोटोशॉप देख सकते हैं यहाँ पे वर्जन भी दिखा रहा है, 23 ओपन हो चुका है। अभी यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, यहाँ पे जाना है फोटोशॉप नीचे, थोड़ा और नीचे, नहीं थोड़ा सा स्लो हो गया है मेरा सिस्टम, ठीक है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा अच्छा नहीं है। तो मैं यहाँ पे एप्लीकेशन से, एप्लीकेशन पे नहीं जाना है हम लोग को। यहाँ पे आपको सेटिंग्स में नहीं जाना है, ठीक है। यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट दिख रहा है ना, यहाँ पे सॉरी ये नहीं चाहिए हम लोग को, यहाँ पे रिक्वायर्ड दिख रहा है ना, यहाँ पे क्लिक करना है आपको। रिक्वायर्ड में क्लिक करने के बाद आपको क्या होगा, यहाँ पे जो चीज़ भी अवेलेबल है उसको यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फाइल को मॉडिफाई कर सकते हैं। हम लोग को यहीं पे जाना है, डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे और नीचे जाना है, ठीक है। नीचे जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हो UI कलर, तो मैंने ऑलरेडी इसको मॉडिफाई किया है, तो फिर एक बार मॉडिफाई करेंगे। सो क्लिक करते हैं और इसका मैं कॉन्सेप्ट भी बता देता हूँ। RGB वैल्यू, ग्रे वैल्यू और ओपासिटी वैल्यू रहता है यहाँ पे, जो कि RGB आपको पता ही होगा 6 digits का कलर कोड रहता है, और ओपासिटी आपका 0 to 100 रहता है, ठीक है। और ग्रे वैल्यू बोलते जो कि न्यूट्रल कलर है, इसका कुछ भी साइकोलॉजिकल फैक्ट नहीं रहता है, जो कि न्यूट्रल कलर है एज अ डिजाइन साइकोलॉजी। तो यहाँ पे देख सकते हैं UI नोट्स में ओपन हो चुका है, आप कोई सा भी सॉफ्टवेयर में ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ये वैल्यू को बोलते हैं CN। ये जो यहाँ पे दिख रहा है ना मजेंडा, ये ब्लैक स्क्रोल बटन, हम लोग को यही चेंज करना है। आइकॉन पैलेट्स, आइकॉन बैकग्राउंड्स, ठीक है। तो आपको कौन सा चेंज करना है, आपको मैं एक डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, ड्राइव लिंक डाल दूंगा। ये मेरा ग्रीन का वैल्यू है, ठीक है। अभी मैं एक बार और समझा देता हूँ। ये जो 3 वैल्यू है ना, 1, 2 और ये यहाँ पे है ना, ये 3 लाइन्स RGB वैल्यू है, रेड ग्रीन और ब्लू। और ये जो वैल्यू है ना, ये इसको बोलते हैं ग्रे और ओपासिटी वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको मैं क्लोज करता हूँ, इसको भी मिनिमाइज करके। अभी क्या करेंगे, मैं UI कलर का एक RGB वैल्यू में जाता हूँ। इससे पहले मैं आपको एक ब्राउजर ओपन करके कलर कैसे पिक करना है मैं बता देता हूँ। यहाँ पे दिखता है RGB कलर पिकर, तो अभी आपको कॉन्सेप्ट पता चलेगा RGB कलर कोड क्या है बोल के। तो ये रहा कलर पिकर, RGB कलर पिकर। यहाँ पे देख सकते हो मॉडर्न कलर भी है, और यहाँ पे आपको चार्ट भी दिया रहता है ऑलरेडी। बट यहाँ पे आपको क्या करना है, कस्टम कलर चूज करना है। तो आपको कोई सा भी कलर पसंद हो, ब्लू, सियान, मजेंडा, आपका एक कलर फेवरेट कलर रहता है वो चूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ग्रीन लिया था, CN भी ले सकते हो। और यहाँ पे देख सकते हो CMYK, SSB, SSL कलर भी है, ये देख सकते हो। यहाँ पे क्या है, RGB वैल्यू है। इसको क्या करना है आपको, सेम कलर को या क्या करना है, कॉपी करना है
और यहाँ पे आके आपको नोट पैड में जाना है, यहाँ पे आके ये जो थ्री कलर्स है ना इसमें से ही चेंज करना है। आपको कौन सा चीज़ चेंज करना है, लाइक स्क्रोलिंग बटन रहता है इसमें, तो क्या करना है, 001 है ना, इसका वैल्यू न्यूट्रल रहता है, ये मतलब ग्रे, तो इसको क्या करना है, हम लोग यहाँ पे सिंपली रिप्लेस करना है, मार्क रख के कमा रख के फिर सेम तरीके से लिखना पड़ेगा, ठीक है, एक भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो आपको मैं यहाँ पे एक कलर कोड दिखा देता हूँ, उसको मैं ड्राइव में भी अपडेट कर दूंगा, यहाँ पे देख सकते हैं, पिंक लिखा है, ऑरेंज ओरिजिनल लिखा है, ऑरेंज लिखा है, ठीक है। तो आप, मैं एक बार पिंक डाल के दिखा देता हूँ, यहाँ पे पिंक का कलर कोड है। सो इसको मैंने ऑलरेडी एक ड्राइव से अपडेट करके लेके आया था, तो आप लोग को इजी होगा इस प्रोसेस को करने के बाद। यहाँ पे देख सकते हैं इसमें वैल्यू करेक्ट है, तो इसको मैं कंट्रोल सी करता हूँ, कॉपी करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे जाएंगे हम लोग का जो वैल्यू था, यहाँ पे आके पूरा इसको डिलीट कर देंगे बैक स्पेस, उसके बाद यहाँ पे मैंने कर दिया, लेकिन जैसा लिखा था कोड ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। तो स्पेस रहना चाहिए, यहाँ पे दो स्पेस रहेगा, इधर आपको एक कलर कोड दिया रहेगा, ठीक है, उसको इरेज कर देना है, जो कि नेम है। यहाँ पे ऊपर जाते हैं, सबसे टॉप में जाते हैं, इसमें नहीं है, आपको सबसे टॉप में जाना है, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, कलर वैल्यू नेम वर्जन लिखा है ना, यहाँ पे क्या करना है, इसको थोड़ा सा स्पेस क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद इसको क्या करना है, आपको सिंपली सेव कर लेना है, ठीक है, सेव करना है, और इसको जहाँ पे लोकेट था वहीं पे सेव हो जाता है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो समटाइम्स क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन परमिशन नहीं देता है, तो आपको थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक और बार हम लोग फोटोशॉप को रिस्टार्ट करेंगे, क्योंकि रिस्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि ग्रीन है अभी, यहाँ पे हमने बोले जो पिंक कलर चेंज किया था, तो वही यहाँ पे दिखाई देगा। नो करता हूँ, सेव नहीं करना है, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेगा, मैं वीडियो को स्किप करके दिखाता हूँ यहाँ पे। फाइनली देख सकते हैं हम लोग का लेआउट चेंज हो चुका है, थैंक्स थैंक गॉड, पूरा यूआई चेंज करने के बाद हो चुका है। सो देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग का पिंक हो चुका है, अभी पहले हम लोग का ग्रीन था, अभी हो चुका है यहाँ पे। तो इसी तरीके से हम लोग पूरा यूआई चेंज कर सकते हैं, एक बार कंट्रोल एंड प्रेस करके देखते हैं कि स्टॉक्स चेंज हुआ है या नहीं, हम लोग का लेयर्स स्लाइड्स पैनल्स। अभी आप इसमें क्या कर सकते हैं, जो ये टेक्स्ट दिख रहा है ना, इसको टेक्स्ट को भी हम लोग डिफरेंट कलर कर सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट को वाइट ही रहने दीजिए, वो बेटर रहेगा। और इसमें देखिए कितना आई कैची फील आ रहा है। सो आई होप आपको इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स का भी कैसे चेंज करना है, और एडोबी इलस्ट्रेटर का भी कैसे चेंज करना है, आप एक्साइटेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले मैं यहाँ पे देख रहा हूँ आपको ये सभी जो ड्राइव मतलब RGB वैल्यूज़ कोड है ना, मैं आपको ड्राइव में डाल के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप इसको इजीली एक्सेस कर सकते हो। सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।